करें। नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपको पालमपुर वाली जगह में। यहाँ पर जब मैं चल रहा था दोस्तों, तो मैं चलता था कि छोटा सा एक ब्लॉग बनाऊँ और आपको टी गार्डन दिखाऊँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टी गार्डन। मित्रों हम यहाँ से आए, सामने जो छोटा सा रोड आपको दिख रहा है, और ये जो है ये धर्मशाला पालमपुर रोड है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो है ये धर्मशाला की ओर जाएगा और ये पालमपुर की ओर जाएगा, और गोपालपुर जो ज़ू है बिल्कुल उसके सेंटर में आपको यहाँ पर ये टी गार्डन जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही आप बाहर रोड की तरफ आते हो तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाएंगी, जैसे चाय पत्ती होगी गार्डन टू योर कप, तो ये कांगड़ा चाय, देसी चाय आपको मिल जाएगी। साथ में आपको वहाँ यहाँ पे जूस वगैरह जो भी आप छोटे मोटी भूख को मिटाना चाहते हैं या प्यास लगी है तो वो भी। तो थोड़ा सा मैं गार्डन का व्यू आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ दोस्तों। और मुझे इस बात की जानकारी ये नहीं है कि चाय जो है वो अभी उग रही है या कोई सीज़न होता है इसका या कब तोड़ते हैं इसको, लेकिन किसी को ज़रूर पूछेंगे। लेकिन ये वही चाय होगी जो इन बगानों से ली जाती है और फिर यहाँ पर साहब जी चाय अभी तोड़ चुके हैं कि तोड़नी है अभी, क्या है इसका? अभी सर ये बस ये देखो आप निकल रहा ना ऊपर का ये जो मतलब नहीं देखो फ्रेश पत्ती निकल, अच्छा ये जो हाँ ये अब बस अभी टूट रही थी पीछे अप्रैल में टूट, अच्छा तोड़ते हैं इस अप्रैल में टूटते हैं साल में एक, फिर से आगे साल में दो बार, एक तो अप्रैल में तोड़ रहे थे, अभी नेक्स्ट जो होगा वो अभी बस ये थोड़ा सा, अच्छा 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 यानी कि बरसात के मौसम में। अच्छा अच्छा, तो ये जो गार्डन होता है ये किसी का प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? अच्छा ये किसी का प्राइवेट है, ओके ओके। फिर मेरे ख्याल में यहाँ से तोड़ के फैक्ट्री भी यहीं कहीं होगी कांगड़ा में, पालमपुर में। अच्छा अच्छा, तो ये जो चाय है बाहर ये वही पालमपुर से आई है ना? ये तो पता नहीं कहाँ से मंगवाते, तो अंदर बैठे हैं डीलर। नहीं पर वो है ना गार्डन टू योर कप यहाँ नहीं होगी बाहर से, ये कांगड़ा चाय है क्या? यहाँ की बनाते हैं। तो यही मेरा सवाल था दोस्तों। तो अभी जैसे भाई जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी ये जो कॉम्प्लेन निकल रही है, जो बिल्कुल फ्रेश पत्तियां निकल रही हैं, इनको तोड़ा जाएगा। और इससे पहले भी थोड़ी सी हार्वेस्टिंग जो हो चुकी है यहाँ पे वो अप्रैल में हुई, और बरसात के मौसम में ये जो पत्ते निकलते हैं बिल्कुल कोमल पत्ते, ये जो है इनको तोड़ा जाएगा। इसमें शायद कोई फल भी लगता होगा, ये कोई फल होता सर? अच्छा ये बीज है, तो ये मेरे ख्याल में अपने आप ही लगते होंगे ना, सदियों की लगी हुई है ना इसको, इसका कोई ऐसा नहीं है कि फिर से काटो फिर से उगाओ ऐसा कुछ नहीं, इसकी कटिंग होती है। नहीं मतलब जड़ से उखाड़ के फिर से बीज ऐसा कोई? जड़ से तो नहीं उखाड़ा जाता, यही पेड़ होता है ना? हाँ ऐसे कटिंग होती है इसकी ना। अच्छा अच्छा, जैसे आधी कटिंग, ठीक। हाँ जी हाँ जी, मतलब प्रूनिंग करते हैं इसकी ना, तो उसके बाद फिर। चलो थैंक यू सर, आपको शुभ नाम, आपने समय दिया। थैंक यू राकेश जी। ऑल राइट दोस्तों, सो ये था वो बगीचा, वो बगान, और कुछ छोटे मोटी जानकारी जो है वो मैं इनसे लेना चाहता था। तो अभी फिर से जब ये हो जाएगा बिल्कुल पत्तियां लग जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पर फिर से पत्तियां तोड़ के इसको फैक्ट्री में, जो कि पालमपुर में ही है, और पालमपुर यहाँ से शायद हार्डली 15-20 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर जो चाय है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ।
नज़दीक से, क्योंकि थोड़ा सा बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो उस वजह से शायद जो भाई साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा टेंट तरपाल वगैरह लगाया, लेकिन मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो थोड़ा और मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। और इस तरफ भी बगीचा था और इस तरफ भी ये बगीचा था, चाय का मेरे पीछे आप देख सकते हो। फिर से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर से मिलता हूँ एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, जय हिंद, सब सुखी रहें।